राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण में उनसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की हुई। शपथ ग्रहण समारोह में दो मंच लगे थे, एक जहां मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठे थे, तो वहीं दूसरे मंच पर वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे और शेखावत के ही बगल में बैठे थे अशोक गहलोत। दोनों ने जिस गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो सभी की निगाहें वहीं टिक गईं। दोनों के चेहरे पर हंसी और बर्ताव ऐसा कि मानो गहरी दोस्ती हो, लेकिन दोनों के राजनीतिक मतभेद किसी से छिपे नहीं हैं। दोनों एक ही शहर जोधपुर से आते हैं और एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। एक तरफ गहलोत ने कई बार केंद्रीय मंत्री शेखावत पर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ शेखावत ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा पेश कर दिया था। नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण में दोनों की ये तस्वीरें देखकर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद दोनों के सियासी गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की इन तस्वीरों के साथ दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की मुलाकात भी चर्चा में रही। मंच पर जब वसुंधरा राजे शेखावत के बगल में बैठी तो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने आपस में हाथ मिलाया और बात की। बता दें कि इस मंच पर सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल और त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा भी बैठे थे।